हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे है, सुबह से कुछ काम था, काम कर रहा था और कपड़े वगैरह धोए। धोने के बाद ब्रेकफास्ट की और अभी छत पे आया हूँ नहा के। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी धूप लगवा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पहले जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी और इस टाइम उल्टा हो गया। और आजकल ठंड ज़्यादा हो रही है क्योंकि बारिश जो रुक ही नहीं। और आज जो है वो मौसम थोड़ा क्लियर है बिल्कुल। और वैसे आज भी इतनी गर्मी, वैसे गर्मी में दिख नहीं रही कि गर्मी है भी है नहीं। और मैंने सोचा चलो चलते हैं छत पे, तो धूप वगैरह लगवाते हैं थोड़ी सी। और मौसम काफ़ी क्लियर रहा आज, और देखते हैं फिर शाम का क्या प्रोग्राम है, क्या करते हैं आज। और चलो ब्लॉग में बने रहना, इंटरेस्टिंग होगा, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। और दिखाता हूँ आपको मैं छत से, छत का व्यू। और ये पीछे आप देख रहे हो ना, ये वाली जो बेल है ना, ये अंगूर लगे हुए हैं पीछे, अभी छोटे छोटे से हैं ये। अभी मैं दिखाता हूँ आपको और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, तो फिर अभी देखते हैं कुछ खाना वगैरह बनाएंगे हम। ऐसा है कुछ व्यू आज का, और बिल्कुल एकदम क्लियर है। और बीच में थोड़े से बादल दिख रहे होंगे आपको, ये भी अभी के टाइम आए हैं, पहले इतने बादल नहीं थे, पहले बिल्कुल क्लियर था। और अभी पीछे की तरफ देखो, वहाँ पे अभी काफ़ी घने बादल, और मुझे लग रहा है कि शाम के टाइम हो सकता है बारिश का मौसम फिर से बन जाए और फिर से ठंड हो जाएगी आज। और काफ़ी अच्छा व्यू है आज का। और ये देखो छोटे छोटे ग्रेप्स, मतलब अंगूर लगे हुए हैं अभी, और अभी छोटे छोटे से दाने पड़े हैं इनके अभी, तो बरसात का मौसम है अभी। तो देखो ये पूरी की पूरी बेल जो है ना अंगूर की है, और ये फूल वगैरह इधर नीचे लगे हुए, नीचे लगाए थे। और सुबह का यही काम था, बाकी कपड़े वगैरह धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैं छत पे चलते हैं आराम से नहा धो के। और इस तरह का है कुछ व्यू। और अब हम चलते हैं सीधा खाना खाने। और खाना क्या खाना है, कुछ तो सब्जी वगैरह बनाई हुई है, बनी हुई है, तो अभी देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैगी वगैरह बनाते हैं और मैगी बनाकर फिर खाते हैं। तो चलो नीचे चलते सीधा किचन में। अभी मैंने शिमला मिर्च भी काट ली है, टमाटर भी और प्याज भी, और ये ला रही मैगी रख दी। और अभी कढ़ाई पे मैंने तेल भी डाल दिया, बस गर्म होगा, उसके बाद डालते हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर साथ साथ, और फिर बनाते हैं हम अपनी मैगी। एक पैकेट बहुत है खाने पीने के लिए, बाकी सब्जी भी है, चलो टेस्ट हो जाएगा कुछ। तो चलो बनाते हैं हम मैगी। तो तेल शायद गर्म हो गया, तो अब डालते हैं इसके बीच में। चलो अभी मैंने दो चीज़ें तो डाल दी, शिमला मिर्च और प्याज। बस यह जब पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, और फिर थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे, और हल्दी और नमक और मिर्च डालेंगे। मसाला भी बन के रेडी हो गया, तो अब डालते हैं बीच में मैगी। मैगी तो हमने डाल लिया, मसाला भी पक गया आराम से। तो चलो साथ साथ पानी भी डाल लेते हैं बीच में। हमारी मैगी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैगी अभी बन के हमारी रेडी हो गई है। अब भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो हम सीधा अब बिना टाइम वेस्ट किए ना अब डालते हैं प्लेट में, फिर खाना शुरू करते हैं। ओ एकदम रेडी है, एकदम टेस्टी। खाते हैं हम खाना, भूख लगी हुई थी तो खाना खाते हैं साथ में। अपना व्लॉग इंजॉय कर रहा हूँ, अपना ही जो बर्थडे वाला व्लॉग था ना वो इंजॉय करो, साथ साथ देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, यही देखते हैं। और व्लॉग इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, अपना व्लॉग देख रहा हूँ इसलिए। और ये रहा व्लॉग, और अब हम खाते हैं खाना। और देखो पास में कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। और चलो खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, और तब तक हम साथ में व्लॉग भी इंजॉय करता हूँ अपना। गाइस दिन को खाना शाना खाने के बाद ना रेस्ट वगैरह कर रहा था, फिर ट्यूशन पढ़ाने चला गया, टाइम नहीं था। तो फिर धर्मेंद्र भाई के साथ अचानक जो है ना वो सडनली प्लान हमारा बना कि आज हम जाएंगे अविनाश भाई के घर में, उनकी शादी है, तो क्यों ना डांस होगा। तो अभी हम पहुँचे मुरादपुर, फिर मुझे धूप वगैरह लगी थी, बहुत खा रहे हैं, बस यहाँ से निकलते हैं, देरा पड़ गया काफ़ी ज़्यादा। फिर आप रास्ते में मिलते हैं, कहाँ दिखाएंगे आपको व्यू, रात का व्यू कैसा होता है, रोड ख़राब है बिल्कुल, मिलते हैं आपको आगे। वो है 8:30 और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम, और मोमोज खाते खाते तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया हमारा। तो वहाँ से भी निकले, ये देखो रोड एकदम, मतलब रोड भी ख़राब है, पूरी टूटी फटी रोड है और धूल ही धूल है। तो अभी टाइम 8:30 हो गया है, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं।
तो फिर पहुंचते साथ ही हमने क्या करना है, खाना शाना हमने खाना नहीं है, हाँ हमने सिर्फ भंगड़ा लगाना है नी, हाँ जी हाँ जी भंगड़ा लगाना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये है मंदिर जय माता दी, और ये देखो साइड से कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी रखी है यहाँ पर, और इस तरह की कुछ रोड की हालत है। चलो आप सीधा चलते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं ठीक है। स्टे हैं कलर और यहाँ से आगे हमारे पास जो रह गया है सफ़र कितना, टोटल 5 किलोमीटर, तो बीच वाले जो एरिया है थोड़ा आर्मी वाला आता है, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है कि मतलब हम वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए अब हम आपको सीधा मिलेंगे अपनी पहुँच करने के बाद मिलेंगे ठीक है, हम लोकेशन पर पहुँच कर मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी मतलब खस्ता हालत है रोड की, यहाँ पर आगे कुछ दिख ही रहा है, धूल धूल है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं, और बीच में अगर आपको थोड़ा सा दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं, दूसरे स्टेट बनते रहिए हमारे ब्लॉक में। इस तरह की कुछ रोड है, एक तरफ जंगल और आगे घर दिखेंगे आपको। अब ये घर आया एक, हमें यहाँ पर दिखा कर ये है रोड, अभी आपको दिखाएंगे जंगल रोड है। हम काफ़ी लेट हो गए, बहुत गलती से लेट हुए, हम 5 मिनट आगे करते रहे और फिर रात को एकदम लेट। गाइस अभी हम यहाँ से बस घर पहुँच ही आए हैं, और बाइक हम ले जा रहे हैं नीचे लगाएंगे, और देखो रोड कितनी खतरनाक है, एकदम बेकार से रोड है। कश्यप को बोलेंगे ठीक रहा इसको, वो कश्यप की ट्राली लगी है ट्रैक्टर। तो अभी हम पहुँच आए हैं, और ये है शादी वाला घर, सामने आपको टेंट जो है दिखा होगा लगा हुआ, लाइट वगैरह है नहीं, और शादी वाला घर अभी डीजे वगैरह नहीं बज रहे, तो अभी हम लगाएंगे बाइक यहाँ पर, फिर चलते ऊपर, और ये यहाँ पर लगाते नीचे बाइक, आगे भी बाइक लगी हुई है यहाँ पर, चलो लगाओ बाइक पार्किंग पर। Set you free, free, free. क्या मस्त नज़ारा, चांद निकला हुआ है और आसमान में बादल हैं, और तेज़ हवा चल रही है, एकदम बादल भी गरज रहे हैं, तो मतलब बारिश तेज़ होने वाली है, और इसके कारण हमने क्या किया, डीजे क्लोज कर दिए गए हैं, देखो डीजे क्लोज, तिरपाल रख के बिल्कुल, और ये देखो टेंट कैसे उड़ रहा है ऊपर, देखो पीछे उधर उधर उस तरफ जो है ना बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है मुझे लगता है, क्योंकि उस तरफ जो है ना बादल गरज रहे हैं, देखो अभी आपको दिखाई देंगे वहाँ पर बादल, वो देखो मतलब अच्छी खासी बारिश होने वाली उधर। और चलते हैं हम अब सीधा अंदर, डांस वगैरह जो होना था हो गया, बीच में लाइट भी चल जाती है, तो अब तो लाइट चल रही है। ये देखो ये हमारे धर्मेंद्र भाई भाग रहे, रात को 11:30 टाइम हो गया, अभी 12 बजने वाला ना, 12 बजने वाला है, सुबह हमें 5:30 से निकलना है, तो बाकी का जो ब्लॉग होगा ना सुबह हम शूट करेंगे, सुबह 5 बजे निकलेंगे हम। तो फिलहाल तो देखो रात का टाइम है और लाइट नहीं जानी चाहिए, तो मस्त लग रहा है एकदम, शादी वाला घर एकदम मस्त लग रहा है, और दुल्हा अंदर जाके सो गया है। तो चलो यार सुबह मिलते हैं आपको, ठीक 5:30-6 बजे निकलेंगे ना, बारिश ना हुई तो आराम से निकल पड़ेंगे, बारिश हुई तभी निकल पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सुबह फिर मिलते हैं आपसे। आराम से अपना बेड लगाया हुआ सो रहे हैं, तो आज हम नीचे सोने वाले हैं, नहीं आज हम नीचे सोएंगे, नीचे सोने का मज़ा आता है।
ठीक है ठीक है, आज नीचे सोएंगे हम, यहाँ पर नीचे सोने का ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो कश्यप लाएगा वहाँ से सामान, कश्यप तलाई लीजिए हमारा, नहीं नीचे सोना जाए। ठीक है आ रहा, ठीक है ठीक है सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब लोग सुबह हो चुकी है, सुबह का टाइम हो गया है, हवा देखो कितनी तेज चल रही है और मेरी आँखों में लगी हुई है, और ये देखो पीछे बारिश ज़्यादा हुई है, और ऊपर देखो जो टेंट वगैरह की हालत कितनी गंदी हो चुकी है, और बाइक हमारी रेडी है तो हम अभी निकल रहे हैं वापस घर की, और ये नो रास्ते बारिश आ जाए तो चलो मिलते हैं आप। आप रोड की हालत देख सकते हो कितनी ही खस्ता हो चुकी है, मतलब बारिश में, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ने वाली है, ठंड भी काफ़ी है सुबह, क्या मज़ा आ रहा है सुबह सुबह ड्राइव, बारिश के चांसेस भी सही है, चलो सीधा क्या आपको।